हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं एमपीपीएससी 2014 का पेपर और इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 घंटे का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें और 200 नंबर के रहते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो डी ऑप्शन सही है, रेटिना पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? तो सी ऑप्शन है इसमें, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल के मानदंड 1992 में निर्धारित किए गए थे और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुई थी दोस्तों। तीसरा देखते हैं, तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सी ऑप्शन है, के चंद्रशेखर राव। और 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बना था तेलंगाना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां संपन्न हुई? तो ए ऑप्शन है, मुंबई। इसकी बता दें आपको कि 1914 में फर्स्ट हुई थी कोलकाता में, और 104वीं 2017 में तिरुपति में हुई थी, और 105वीं 2018 में इम्फाल मणिपुर में हुई। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला से सर्वाधिक प्रभावित देश है? तो सी ऑप्शन है, साइबेरिया। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, सन 2014 में रसायन शास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो डी ऑप्शन सही है, एरिक बेटजिन, स्टीफन डब्ल्यू हेल एवं विलियम ई मॉर्नर। आपको बता दें कि वो 2018 का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया, फ्रांसिस अर्नोल्ड यूएसए के हैं, जॉर्ज स्मिथ यूएसए के हैं, गैगरी वेंडर बेंटर ये ब्रिटेन के हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो गांधी जयंती पर। सी ऑप्शन है, ये किया गया 2 अक्टूबर 2014 में। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, 19वां सार्क सम्मेलन सन 2016 कहाँ होगा? पाकिस्तान में होना था दोस्तों, सी ऑप्शन सही है इसमें, लेकिन इसे में भारत ने और एक दो देश ने और बहिष्कार कर दिया था, तो ये नहीं हुआ था। अब 2018 में जो होना था ये भी 20वां है, ये भी पार्क में होना है, पाक में, पाकिस्तान में, और फर्स्ट हुआ था 7 दिसंबर 1985 में। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 2014 किस जगह हुआ है? तो बीजिंग चाइना में है, बीजिंग ए ऑप्शन सही है। 1989 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर सिंगापुर में, 21 देश हैं, फर्स्ट हुआ था 1989 में ऑस्ट्रेलिया में, 29वां वियतनाम 2017 में हुआ था, और 30वां पपुआ न्यू गिनी में है। तो 10वां देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो सी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। 11वां देखते हैं, 17वें एशियन खेलों में भारत ने पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त कर कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो डी ऑप्शन है, 57 पदक। ये दक्षिण कोरिया में हुआ था 2014 में, और 18वें जकार्ता पोलिंग बांग में हुए इंडोनेशिया में, इसमें 69 पदक जीते हैं, 8वें स्थान पर रहा है, फर्स्ट पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे दक्षिण कोरिया। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन है, यूरेनियम। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है, तालाब एवं दलदल। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य गठन हुआ है? तो ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सही, 1 नवंबर 1956 में, और 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्राफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो डी ऑप्शन है, बैतूल। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सागौन के कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है, 17.8%।
17वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बी ऑप्शन में मंडला में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर में है, तो बी ऑप्शन सही है 44.94। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है, तो सी ऑप्शन है मंदसौर। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ए ऑप्शन है 72.4%। 2021वां क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है, तो डी ऑप्शन है बालाघाट। भारत में 22वां है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, ए ऑप्शन सही है। 23वां देखते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, सबसे कम है गोवा। 9 राज्य हमारे तटरेखा से लगते हैं, समुद्र तटरेखा से, ठीक है। 24वां देखते हैं, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बौद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो सूत पिटक में, डी ऑप्शन सही है। 25वां देखते हैं, गुप्त राज साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो सी ऑप्शन सही है ब्राह्मणों को। 26वां देखते हैं, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो तोमर वंश ने की थी, सी ऑप्शन सही है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, बी ऑप्शन सही है। 28वां देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो अकबर ने किए थे, डी ऑप्शन सही है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, तो डी ऑप्शन है साहित्य रत्न है जो सम्मान होता है, और बाकी तीनों जो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये तुलसीदास द्वारा लिखे थे। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत, और आपको बताएं कि अमात्या आय व्यय के लेखा जोखा रखता था, वो सरे नौबत सेनापति होता था, और सचिव राज्य के प्रशासन से संबंधित होता था। तो अपन देख लेते हैं 32वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में की थी, सी ऑप्शन सही है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 में हुई थी, डी ऑप्शन सही है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया था, तो बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, ये हुआ था 1938 का, हरिपुरा गुजरात में हुआ था। चलिए 35वां देखते हैं, भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकार तौर पर घोषणा कब हुई, तो 3 जून 1947, डी ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं 36वां, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, तो सी ऑप्शन है मार्च 1971 में। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो 1969 में, सी ऑप्शन सही है। यहाँ बता दें आपको 1 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गई थी, तो पंजाब नेशनल बैंक में इसका विलय कर दिया गया था 1993। अब 38वां क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ए ऑप्शन सही है। ये पश्चिम बंगाल में बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में, ये भारत की सबसे खारी झील है, सी ऑप्शन सही है। 40वां देखते हैं, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो सी ऑप्शन है सिक्किम में है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतर स्थलीय अपवाहन नदी
का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन है घग्गर। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट रेखा गुजरती है, तो जिन दोस्तों 9 राज्यों से गुजरती है, 9 से नहीं 8 से दोस्तों, सॉरी, मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात से गुजरती है। तो इस सभी ऑप्शन है डी ऑप्शन। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, डरबन नगर कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, ए ऑप्शन सही है। अब 44वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, तो बी ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 171। वो बता अनुच्छेद 170 विधानसभा संरचना से संबंधित है, और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है, और 173 है जो हमारा अनुच्छेद 173 राज्यों विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं हैं, इसमें मतलब योग्यता है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन सही है। और बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था, तो 1962, ए ऑप्शन है। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में बना था। 47वां देखते हैं, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, बलवंत राय, ए ऑप्शन सही है इसमें, जी जनवरी 1957 में बनी थी, और अशोक मेहता बनी थी 1977 में, और जे बी के राव ये 1985 में बनी थी। अब 48वां देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो बी ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी, तो सी ऑप्शन है इसमें 4.5%। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2013-14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी, तो डी ऑप्शन है बीएसएनएल, बाकी तीनों लाभ की स्थिति में थी। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, गेट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया, जेनेवा में 1948 में, डी ऑप्शन सही है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है, तो फैजाबाद में है, ए ऑप्शन सही है। अपना 53वां भी देखते हैं, बोनस लाइन निम्न खेल में अंकित होती है, तो कबड्डी में होती है, सी ऑप्शन सही है। 54वां भी देखते हैं, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 55वां, ब्लैक बॉल किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, सी ऑप्शन सही है। 56वां देखते हैं, पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर, एक क्रिकेट से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। 57वां क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, मलखम। अब 58वां क्वेश्चन देखते हैं, लिब्बो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, वॉलीबॉल, बी ऑप्शन सही है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या था, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी लेकिन प्रारंभ 2013 से हुआ। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो सी ऑप्शन है सतपुड़ा विंध्याचल। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंस घाटी का, बी ऑप्शन सही है। 62वां देखते हैं, बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो मरिया में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। 63वां देखते हैं, मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन है तावा। 64वां देखते हैं, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है, तो डी ऑप्शन एल्यूमिनियम की। 85वां देखते हैं, 65वां देखते हैं, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, सी है चंदेल, 950 से 1050 तक। आपको यहाँ चलिए हम देखते हैं 66वां क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए सिद्ध राजवंश है था, तो ये है चोल।
67वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष निवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बी ऑप्शन है महेश्वर। 68वां देखते हैं, गोर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बी है मुड़िया। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन सम्मान 2014 में किसे प्रदान किया गया? तो बी ऑप्शन है प्रभाकर कारेकर। 17वां देखते हैं, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती यूपी से हैं, बाकी के तीनों मध्य प्रदेश से हैं, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। 71वां देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? बी ऑप्शन है बघेलखंड। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी के किनारे स्थित है ओरछा? उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे स्थित है और हमारा मंडीदीप है जो ये नर्मदा किनारे है और मुरैना चंबल किनारे है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? ए ऑप्शन सही है। 74वां देखते हैं, एक बाइट में होते हैं? ए ऑप्शन सही है आठ बिट। 75वां देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? तो बाकी ये सभी हैं, राउटर है, हब है, स्विच है दोस्तों, तो ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ है लिखना चाहिए था। चलिए अब 76वां क्वेश्चन देखते हैं, FTP का पूरा नाम है? डी ऑप्शन सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग निम्न में से किससे बचाता है? तो ए ऑप्शन है अनिधिकृत आक्रमण। 78वां क्वेश्चन देखते हैं, SMPS का विस्तारण है? तो ए ऑप्शन सही है स्विच मोड पावर सप्लाई। 79वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो बी ऑप्शन सही है डायल अप सर्विस। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराधों का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। को बता दें कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है हमारा 8 मई 1955 में ये राष्ट्रपति द्वारा पारित हुआ, 1 जून 1955 से लागू हुआ, इसमें 17 धाराएं संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी। अब 81वां क्वेश्चन देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें है उपयुक्त सभी सचिव, प्रबंधक, निर्देशक, तीनों होंगे। चलिए 82वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति है राज्य सरकार को? अब देखते हैं 83वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति, यहाँ हम बता दें कि STSC एक्ट 1989 11 सितंबर 1989 में पारित हुआ, 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ, ये पूरे भारत में है बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के। 83वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की अधीन किस लोक सेवा द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो सी ऑप्शन सही 1 वर्ष। 84वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, बी ऑप्शन है इसमें। लोग इसमें बता दें कौन कौन होता है दोस्तों, तो PM होता है प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। 85वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल, बी ऑप्शन सही है इसमें। 86वां देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्त का। 86वां सही, अभिनव गुप्त जो सैव धर्म के आचार्य थे, जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, और बाकी के तीनों माधव, रामानुज, शंकराचार्य वेदांत दर्शन से संबंधित थे। 87वां देखते हैं, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो ये ऑप्शन है कृष्णदेव। अपन देखते हैं 88वां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल साहब, बी ऑप्शन सही है।
अब हम देखते हैं 89वां, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो 61वां 1989 में हुई थी। आपको यहाँ चलिए अब 90वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया? तो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 324। आपको बता दें 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई, और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रों से संबंधित है, और 322 अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, और अनुच्छेद 326 लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित से संबंधित है, निर्वाचकों से संबंधित है। 91वां क्वेश्चन देखते हैं, रंग राजन समिति का गठन किसके किस लिए किया गया था? तो बैंकिंग सुधार, बी ऑप्शन सही है। 92वां क्वेश्चन देखते हैं, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय, प्रथम पे चाइना है, बी ऑप्शन सही है इसमें। 93वां क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN, बी ऑप्शन सही है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 1948 में जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी IUCN की। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ए ऑप्शन सही है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और सी जो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। 95वां क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 96वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो सी ऑप्शन सुंदरलाल बहुगोड़ा, 1973 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो नाइट्रेट की, डी ऑप्शन सही है। 98वां क्वेश्चन देखते हैं, हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करता है क्षारीय मिट्टी में? डी ऑप्शन सही है। और 99वां क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून? बता दें नेपच्यून भाई दोस्तों सूर्य से बहुत दूरी पर, सबसे दूरी पर होता है, इसलिए ठंडा होता है। 100वां क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा होता है? तो 115 गुना, डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, आज हमने MPPSC 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व किया। अगले लेक्चर में हम 2015 का पेपर देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।